हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग शुरू करेंगे 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, पर डे यह करंट अफेयर्स लाया जाता है और बीपीएससी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं पहले न्यूज़ से। बिहार 2047 तक अग्रणी राज्य बनेगा, ये राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का कहना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई कि निरंतर ऐसे प्रयासों के बल पर देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक बिहार ह्यूमन डेवलपमेंट के पैमाने पर एक अग्रणी राज्य बन जाएगा। इस प्रकार राज्य की विधायिका की शताब्दी का यह उत्सव सही मायनों में सार्थक सिद्ध होगा। गुरुवार को इस ऐतिहासिक मौके पर आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया, साथ ही पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया। बिहार स्टैंड सिक्स्थ अमॉन्ग स्टेट्स टू एडमिनिस्टर हाईएस्ट कोवैक्सीन डोजेस। ओवर 8 करोड़ डोजेस विल बी गिवन टू पीपल इन स्टेट बाय December 31st, हेल्थ मिनिस्टर सेज। वर्तमान में बिहार में 6,37,00,000 के लगभग आज तक वैक्सीन डोज दे दिया गया है यहाँ के निवासियों को, और उम्मीद जताई गई है कि 31 दिसंबर तक लगभग 8 करोड़ डोजेस बिहार में सभी को पड़ जाएंगे। डाकघरों के पॉलिसी बॉन्ड डिजी लॉकर में रहेंगे सुरक्षित। पटना के 2 उप डाकघर कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे। सदीसोपुर उप डाकघर और लई डाकघर भी 1 सप्ताह में कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ जाएगा। इस उप डाकघर में एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डाकघर के बचत बैंक खाता धारक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से घर बैठे खाते को संचालित कर सकते हैं। और वहीं बता दें कि पटना प्रमंडल में अभी 68 डाकघर हैं और इनके जो शाखा है डाकघर के 119 हैं। याद रखिएगा, पटना प्रमंडल में 68 डाकघर है और इनके शाखाएं 119 है। डाक विभाग पॉलिसी बॉन्ड को रखने के लिए डिजी लॉकर की सुविधा देने जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक और अन्य जरूरी कागजात की तरह डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के बॉन्ड को डिजी लॉकर में रखा जा सकेगा। सूबे की 5,00,000 बेटियों को मिलेगी कराटे की ट्रेनिंग। प्रदेश भर से 1,068 बालिका स्कूलों का किया गया है चयन। 5,34,000 स्कूली बेटियों को कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर में 1,068 बालिका स्कूलों का चयन किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की माने तो प्रदेश में 534 ब्लॉक के 2-2 स्कूल में कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर ब्लॉक में उन स्कूलों का चयन किया गया है जहाँ पर सबसे अधिक छात्राएँ नामांकित है। हर स्कूल से 5 छात्राएं बनेगी ट्रेनर। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की माने तो जिन छात्राओं को कराटे में रुचि होगी आगे ट्रेनर के तौर पर तैयार किया जाएगा। हर स्कूल से ऐसी 5 छात्राओं को ट्रेनर के तौर पर तैयार करना है जो आगे अपने स्कूल का अन्य स्कूल में जाकर छात्राओं को ट्रेनिंग दे सके। लगभग 684 ट्रेनर अभी चुने गए हैं इन बेटियों को ट्रेनिंग देने के लिए। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे करंट अफेयर सेशन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।